करनाल के जिला उपायुक्त निशांत यादव एवं जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने आज लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उपायुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत महिलाओं के मध्य मैराथन दौड़ के अलावा मेडिकल कैंप लगाकर महिलाओं में आयरन की कमी को पूरा करने के बारे में जागरूक किया जाएगा और आयरन की भरपाई के लिए विख्यात डॉक्टर द्वारा अपनी सलाह भी दी जाएगी। महिला दिवस के अवसर पर महिला सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इससे पूर्व महिला दिवस के लिए विभिन्न विभागों से आए कर्मचारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को महिला दिवस पर किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर एक बैठक का आयोजन भी किया गया। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि महिला दिवस हरियाणा सरकार द्वारा विशेष रूप से मनाया जा रहा है ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया जा सके। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा बनाई गई ऐप के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही विभाग महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप जारी करेगा, जिस पर ऐसे समय में महिलाएं सूचना देकर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा शक्ति के रूप में पहले ही जिला पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के प्रबंध कर रखे हैं, परंतु और भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग हमेशा प्रयासरत रहेगा। इस अवसर पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बिल्कुल जी बिल्कुल। इनफैक्ट जो हमारे मैं तो इनफैक्ट हरियाणा के बाहर की भी बात करूं, दिल्ली से बाकी जगह से भी, तो डीएफएससी को लेबर डिपार्टमेंट को हमने ये बता दी कि जो लेबर भी आता है बाहर से उनकी एक इन्वेंट्री रखें कि कहां कहां से कौन कौन लोग आए, उनमें से कोई सिम्टम्स तो नहीं दिखा रहे इस चीज के, तो हम पूरा इसमें ध्यान दे रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी बाहर से आता है तो स्टेट गवर्नमेंट से पूरी एडवाइजरी इसमें जारी हुई है कि कोई भी उनके पास डिटेल्स आती है कि कोई अगर बाहर से ट्रेवल करके आ रहा है तो तुरंत आए। सर नाल में कुछ मिले संदिग्ध, एक भी संदिग्ध अभी तक। सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं सर, शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उसमें हम टीम बना रहे हैं, हर एक चार चार पांच पांच गांव पे एक ग्राम सचिव पटवारी आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर की, उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि वो जाकर के कोई भी संदिग्ध इस तरह का मिलता है तुरंत हमें रिपोर्ट करें। इनकेस बहुत ज्यादा जरूरत आती है तो हमने ऐसे स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई करे हैं जहां पे हम संभावित पेशेंट्स को आइसोलेट करेंगे, क्योंकि इसका मेन इसमें हमारा टारगेट जो उसका इलाज है अब तक वो सिम्प्टोमेटिक है कि जिस तरह के आपको फीवर आया तो फीवर का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो इस तरह की चीजों पे हम कोशिश करें कि इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, रोगी को वक्त लगता है ठीक होने में, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनको आइसोलेट करके रखें ताकि वो बाकी लोगों के टच में ना आए, तो हमने आइसोलेशन वार्ड वगैरह भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एस्टेब्लिश कर लिए हैं। एक जो एक बात इसमें आ सकती थी वो ये थी कि जो हमारी नॉर्मल फीवर रिमूवल बिल्स थी जैसे पैरासिटामोल है और मेडिसिन है उनकी स्टॉकिंग कहीं पे ना हो कि वो पहले से ही जो है जो हमारी डिस्पेंसरीज है इस तरीके से वहां पे लोग स्टॉक करना शुरू कर दें कि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर से बात करके इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि किसी भी तरह की सप्लाई में उनकी में बाधा ना आए ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो। बाकी हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जिला प्रशासन पूरा तैयार है और किसी भी तरह की संभावना से जैसे पुलिस ने पहल की है कि मास्क बांट रहे हैं अपने कर्मचारियों को, क्या सिविल कर्मचारी सर शॉर्ट भी हो गए हैं? हमने इनसे बात करके सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ को सिविल सर्जन को डायरेक्शन दे दी गई है कि सफिशियंट क्वांटिटी में मास्क अवेलेबल रहे एंड थैंकफुली अभी तक एक भी इस तरह का संदिग्ध केस हमारे जिले में तो नहीं आया है, कोई भी आएगा तो हम तुरंत इस पे। सर बाहर से आने वाले कुछ लोगों की पहचान कोई है? आने वाली 8 मार्च को हरियाणा सरकार के द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में 2 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनकी सूचना मैं हमारे मीडिया के बंधुओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो 8 को सुबह 7 बजे सेक्टर 12 में जो हुडा ग्राउंड है मॉल के सामने जो राहगीर का स्टेज है वहां से पिंकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारी अनुमान है कि लगभग 5,000 महिलाएं भाग लेंगी। ये पिंकाथॉन इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी मैराथन होगी जिसमें सिर्फ महिलाएं ही दौड़ेंगी और इसका जो रूट बनाया गया है वो सेक्टर 12 का हुडा ग्राउंड जो स्टेज है वहां से लेकर के ओल्ड सीएम कैंप ऑफिस होते हुए आईटीआई रोड से होते हुए और एनडीआरआई चौक पे वो खत्म होगा। वहां पे हमारा रिफ्रेशमेंट
टॉयलेट्स और पानी पीने की स्टॉल वगैरह जो लगेंगी वो लगाई जाएंगी। इस संदर्भ में डिटेल्ड ब्रीफिंग हमने अधिकारियों को अभी दे दी है। इसमें सरकार की तरफ से किसी माननीय मंत्री जी की मुख्य अतिथि के रूप में ड्यूटी लगेगी और वो यहाँ पे हमें उस दिन अपना मार्गदर्शन देंगे। उसके बाद 11 बजे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 10 बजे जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें जो वुमेन अचीवर्स हैं, जिन महिलाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है अपने फील्ड में, उन सब का संबोधन होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे और साथ में कल्चरल प्रोग्राम्स का भी आयोजन किया जाएगा। और साथ ही उस दिन करनाल जिले की हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का भी आयोजन होगा और हर एक गांव में महिलाएं एवं पुरुष बैठ करके इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को और आगे ले जाया जा सकता है। तो इसके साथ ही साथ 8 मार्च से पोषण पखवाड़े का भी शुभारंभ हो रहा है, तो 8 मार्च से लेकर के और 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसका फोकस ये होगा कि किस तरीके से महिलाओं में पोषण की बढ़ोतरी की जाए। जो एनीमिक महिलाएं हैं, जिनको आयरन, ब्लड में आयरन की शॉर्टेज है, हीमोग्लोबिन में आयरन की शॉर्टेज है, एनीमिया है, उन महिलाओं को किस तरीके से डाइट चार्ट उनका बने, किस तरीके से उनकी देख रेख की जाए ताकि वो एनीमिया मुक्त हो सकें। बताया और आप सभी जानते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन डे, और देश भर में ये दिन इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पे मनाया जाता है। तो जैसे कि हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। पहला जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पिंकैथन, ऑल वुमन पिंकैथन ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दो ये इसमें स्ट्रीम्स रखी गई हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, इसका लिंक भी आप सभी को हम अभी भिजवा देंगे। और इसका जो स्टार्ट पॉइंट होगा ये सेक्टर 12 में जो राहगीरी स्टेज है हुड्डा ग्राउंड, वहां से स्टार्ट होके जो टी पॉइंट बनता है पुष्करा रोड पे, वहां से लेफ्ट एनडीआरआई चौक, अगर और किसी ने आगे 10 किलोमीटर की रन करनी है तो वो फर्दर जो गीता द्वार है बलड़ी बाईपास की तरफ, वो उसका रूट ये रखा है। और इस दौरान मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि क्योंकि व्हीकुलर मूवमेंट इस रूट पे बिल्कुल बंद रहेगी, तो ट्रैफिक हम सुबह 7 बजे से लेकर और 8 बजे तक 1 घंटे के लिए इस रूट पे ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे। और थोड़ा सा आपकी अगर आपके माध्यम से ये सभी लोगों को पता लगे तो उस दिन उस समय पे आना अवॉइड करें। बाकी सुरक्षा के जितने, क्योंकि काफी गैदरिंग होगी, कम से कम 5,000 हम उम्मीद कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गैदरिंग होगी उनकी सेफ्टी के लिए जो अरेंजमेंट्स हैं वो सभी भी किए जाएंगे। एम्बुलेंस हो या और जो रिक्वायरमेंट है उस सभी का भी ध्यान रखा जाएगा। तो मेरी अपील है आपके माध्यम से ज्यादा संख्या में सभी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करें। सभी मीडिया बंधुओं से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसमें जो है जरूर भाग लें, और इसकी अगर हो सके तो रजिस्ट्रेशन आप करवा लें, अगर नहीं भी जो कराते तो ओपन एंट्री है, ऐसा नहीं कि जो रजिस्टर्ड है केवल वो ही आएंगे। एक थीम के तौर पे जो टी शर्ट, पिंक कलर की टी शर्ट जो सभी को वहां दी जाएंगी। और जो दूसरा प्रोग्राम जैसे बताया अभी साहब ने, वो इंटरेक्शन रहेगी सीएम साहब की वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो कल्पना चावला ऑडिटोरियम जो मेडिकल कॉलेज में ऑडिटोरियम है वो वहां रहेगा। और थर्ड लेवल है विलेज लेवल का, तो हर गांव में कोई ना कोई अधिकारी या कोई ना कोई उस गांव का जो अचीवर है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.